हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स इन हिंदी पर। दोस्तों, जब से इंडिया ने श्रीलंका पर प्रेशर बनाया है कि वह चाइनीज नेवल शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की परमिशन ना दे और श्रीलंका ने प्रेशर में आकर इस बात को मान लिया है, तभी से चाइना बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। अब वह इंडिया पर एलिगेशंस लगा रहा है कि इंडिया ने जिस तरह से श्रीलंका पर प्रेशर बनाया है वह बिल्कुल सेंसलेस है। वहीं इस पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि श्रीलंका और चाइना के बीच कॉपरेशन इन दोनों देशों ने इंडिपेंडेंटली चूज किया है ताकि इन दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट को पूरा किया जा सके। यह किसी भी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट करके श्रीलंका पर प्रेशर बनाया है, इंडिया का यह मूव बहुत ही सेंसलेस है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि श्रीलंका एक सॉवरन स्टेट है और वह अपने डेवलपमेंट इंटरेस्ट में जिस भी देश के साथ रिलेशंस डेवलप करना चाहता है वह कर सकता है। वहीं उन्होंने इंडिया को ताना मारते हुए यह भी कहा कि कोई भी रेलेवेंट पार्टी चाइना की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को एक रीजनेबल और सेंसिबल वे में ही देखे और चाइना और श्रीलंका के नॉर्मल रिलेशन को डिस्टर्ब ना करे। इसी पर खुद को सेफ साइड पर रखते हुए चाइना ने यह भी कहा कि श्रीलंका इंडियन ओशियन में ट्रांसपोर्टेशन हब है। वहीं चाइना कई बार श्रीलंका के पोर्ट पर सप्लाईज के लिए और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए रुक चुका है। वांग ने यह भी बताया कि चाइना ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हमेशा ही रिस्पेक्ट किया है और कोस्टल स्टेट्स के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज की ज्यूरिसडिक्शन को भी फॉलो किया है। पर इंडिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना ने किस तरह से श्रीलंका को उसकी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाया है और उसके हम्बनटोटा पोर्ट को हथिया लिया है। और चाइना की आदत तो यही है कि वह पहले कुछ और रीजंस बताता है और बाद में कुछ और ही करता है। इसीलिए इंडिया का यह मूव भले ही चाइना के लिए सेंसलेस हो, पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना बहुत ही जरूरी था ताकि शुरू में ही चाइना को कंट्रोल किया जा सके। और अब जब चाइना को उसके इंटेंशंस पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इंडिया पर एलिगेशंस लगा रहा है कि इंडिया श्रीलंका को डिफिकल्ट टाइम्स में चाइना से मदद नहीं लेने दे रहा है। वहीं चाइना इंडिया पर अब यह इल्जाम भी लगा रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है और दो देशों को कॉपरेट करने से रोक रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।